बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का प्रयास लगातार जारी है। ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को मोतिहारी में 20 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के बीच साइकिल वितरित की गई। कोरोना काल में गरीबी और बेरोजगारी झेल रहे इन लोगों को साइकिल देने का मकसद उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार लोक संवाद .net से बातचीत करते हुए ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के बिहार कोऑर्डिनेटर फैसल जमाल ने कहा कि पूरे बिहार में 1000 लोगों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 24 साइकिल का वितरण हुआ मोतिहारी शहर में। जो हमारे मजदूर हैं, फेरी लगाने वाले भाई हैं, जिनका लॉकडाउन में रोज़गार छिन गया या उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा था, और उनको उनके लिए एक आसानी हो गई कि वो साइकिल से थोड़ा दूर जाकर वो अपनी रोज़गार में काम कर सकते हैं। अभी तक बिहार में हमने 200 रोज़गार फराहम किया है 200 लोगों को। इसमें अलग अलग तरह के आइटम्स हैं, साइकिल है और जो राजमिस्त्री मैसन टूल्स है, इस तरह के कई आइटम हैं, स्विंग मशीन है। तो हमारा 1000 लक्ष्य है, 1000 लोगों तक हम रोज़गार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लाभान्वितों ने बताया कि साइकिल मिलने से उन्हें उनके काम पर जाने में आसानी होगी। साइकिल मिलने से हम काम करने आएंगे जाएंगे, हमको भाड़ा बचेगा। हम लोग मोतिहारी आते हैं, कमाते हैं, इससे बहुत सहूलियत है। जब मिल गया तो हम लोग कमाएंगे। लेबर सुपरिंटेंडेंट राजेश रंजन ने जरूरतमंदों के बीच मुफ्त साइकिल वितरण को एक अच्छा कदम बताया। इन कामगारों को मैं समझता हूँ, इनको जो आने जाने में काम के दरमियान जो असुविधा होती थी, वो इनका समय बचेगा निश्चित रूप से, इनकी एनर्जी बचेगी और इस एनर्जी को वो अपने काम में ज़्यादा यूज कर पाएंगे और निश्चित रूप से इनकी कमाई भी बढ़ेगी और इनको सुविधा भी मिलेगी। तो मैं इस संस्था को निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूँ ऐसे अच्छे कदम उठाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि संस्था आगे भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हित के लिए, भलाई के लिए और भी काम करेगी। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इसी तरह से अन्य संगठनों द्वारा भी प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। मोतिहारी से फरहान हयात की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद .net।